सफा बैतुल माल ब्रांच गुलबर्गा की जानिब से सफा लंगर के नाम से साल के 365 दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भूखे मरीजों और अटेंडर्स के लिए हर रोज खाना खिलाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसको आज कुल 2 महीने मुकम्मल हो चुके हैं। सफा बैतुल माल के जिम्मेदारों ने कोरोना महामारी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों को भूख से परेशान देख सफा लंगर की शुरुआत की थी। कोरोना मरीजों के साथ गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स के लिए भी हर रोज खाना खिलाया जा रहा है। कैंसर हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको ओरल कैंसर होने की वजह से वो लोग खाना नहीं खा सकते हैं। ऐसे मरीजों के लिए अलग से जूस रेडी कर सफा लंगर के जरिए इनकी खिदमत को अंजाम दिया जा रहा है। सफा बैतुल माल के जिम्मेदार अवामी ताउन से मुख्तलिफ खिदमत को अंजाम देते आ रहे हैं। अगर आप भी इस काम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं मौलाना और सफा बैतुल माल की पूरी टीम को मैं बरकत देता हूँ। अल्लाह ताला ने उन लोगों से ये काम अंजाम दिया है। अल्लाह ताला हर एक बंदे को ऐसी तौफीक अता फरमाए। ये हमारे गुलबर्ग शहर के लिए फख्र की बात है कि हमारे शहर में एक ऐसा बैतुल माल है, सफा बैतुल माल, जो ऐसा है जो हर एक की दुख सुख को अपने दिल के गहरों से सोच समझ के ये काम अंजाम दे रहा है। और ख़ास तौर से मैं ये बात बताने के लिए मैं पीछे नहीं हटूँगा कि हर कोई अच्छे में बुरे आते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल के सिचुएशन के हिसाब से ख़ास तौर से जो गज़ा नहीं खाते हैं, जिसको खाना हजम नहीं हो रहा है, उनके लिए वह ख्याल करते जूस तकसीम किए जा रहे हैं। ये मैं मौलाना का बहुत ही तारीफ खाबी काम अंजाम दे रहे हैं साहब, जो जूस तो तकसीम कर रहे हैं, जो पेशेंट्स जो नहीं खा सकते उनको ये एक एक बुन एक एक ख़तरा जो है अल्लाह ताला का दिया आखिरत के लिए, उनके लिए ये काम अंजाम दिए। तमाम शहरान गुरबाग से जो अल्लाह ताला जिसको अहसास दिया है, जिसको वाकई दौलत दिया है, अपना दिल खोल के जहाँ तक अगर आप अपने हाथ से नहीं हो सकता तो ऐसे इसमें ऐसी टीम आप लोगों के सामने अल्लाह ताला ने नवाजा है, इनसे हम फ़ायदा उठाना चाहिए। तो कहने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला आपको मौका दिया है खिदमत करने का मौका, ये नसीब लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हर एक बंदे को ऐसी किस्मत देना चाहिए और हर एक को ऐसी तौफीक देना चाहिए। मैं फिर एक बार मैं मौलाना को, मौलाना की पूरी टीम को मैं दिल से तमाम गुलबर्ग के शहरों की तरफ से जो काम अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत के लिए हर एक के लिए जो जो खाना जो तकसीम किया जा रहा है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये साल के 365 दिन बांटा जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना की बहुत बड़ी फिक्र है कि भाई इसमें जो है ना आज जो जूस का इंतज़ाम किया गया, ख़ास तौर पे कैंसर पेशेंट जो खाना नहीं खा सकते उन लोगों के लिए जो है ना उनकी फ़िक्र करके, उनके लिए सोच के, यानी कि उनके घर वाले भी नहीं फिक्र करते होता वो मौलाना जो है ना फिक्र करके अल्हम्दुलिल्लाह जो सेब का जो जूस बना के जो है ना हर एक पेशेंट को अपने हाथों से जो है मौलाना ले जाके दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना खाना गरम गरम खाना और ठंडा पानी ये डेली जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल माल जो है ये जो काम अंजाम दे रही है, अल्लाह इस काम को कबूल करे और ता क़यामत तक जो है ना मौलाना से जो है ना इनकी नस्लें नस्लें जो है इनकी मौलाना की जो है ना ये काम को अंजाम दे। ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರವಾಗಿ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದೇನು ಸೇವೆ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ ಸಫಾ? ಇದೇನು ಸಫಾ ಬೈತದ ಈ ಸೇವೆ ಏನದಲ್ಲ, ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಅದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ದಿವಸ ನೋಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಯಾರೇ ಹೋದ್ರು 1 ಪ್ಲೇಟಲ್ಲ, 2 ಪ್ಲೇಟಲ್ಲ, 3 ಪ್ಲೇಟಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ದಿವಸ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡೋದು ಏನಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ PCC ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸ್ರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಮಾಡೋಂಥ ಈ ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ದೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು. ಸಫಾ ಬೈತುಲ್ ಮಾಲ್ ಶಾಹ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ತಕರೀಬನ್ 2 ಮಾಹ ಹುವೆ ಸಫಾ ಲಂಗರ್ ಕೆ ನಾಮ್ ಸೆ ಆಗಾಜ್ ಹುವಾ ಥಾ, ಜೊ ರೋಜಾನಾ ಮುಸಲ್ಸಲ್ 2 ಬಜೆ ಜಿಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಕರ್ ಹಮಾರಿ ಗಾಡಿ ಜೊ ಹೈ ಮುಸ್ತೈಕ್ ಪರೇಶಾನ್ ಹಾಲ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ರೋಜಾನಾ 25 ಕಿಲೋ ಚಾವಲ್ 1,000 ಲೀಟರ್ ಪಾನಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾ ಪಿಲಾಯಾ ಜಾ ರಹಾ, ಔರ್ ಹಮಾರಿ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಖಾನಾ ಖಿಲಾನೆ ಮೇ ರೋಜಾನಾ ಮಸರೂಫ್ ಹೈ. ಔರ್ ಆಜ್ ಭೀ ಹಮಾರೇ ಮಾವಿನ್ ಖಾಸ್
अली जनाब, इब्राहिम साहब मुछाले, आबिद खान साहब हमारे साथ इस काम में शरीक रहे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके ताउन को और इनके जो है अल्लाह ताला इनके हाथ बटाने को कबूल फरमाए। जी, आज तकरीबन बुकिंग का जो हमारा निज़ाम चल रहा है 210 दिन बुक हुए हैं, जिसमें 58 तकरीबन 58 दिन जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम खिला चुके हैं, 155 दिन अभी बाकी हैं। हम अहले खैर हज़रात से गुजारिश करते हैं कि यहाँ लॉकडाउन के ख़त्म होने के बावजूद और अल्लाह का फजल और करम है कि कोरोना जैसी वबा भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे और कई बीमार हैं। जैसे कैंसर हॉस्पिटल में हमें जाने का इत्तेफाक़ हुआ, वहाँ भी हमारी गाड़ी जो है मुसलसल खाना खिला रही है। वहाँ ऐसे मरीज़ हैं कि कैंसर का जिनका ऑपरेशन हुआ है गले का मुंह का, जो खाना नहीं खा सकते, तो आज उनके लिए जो है स्पेशल तौर पर सेब का जूस बनाया गया था ताकि सही तौर पर उन्हें जो है फ़ायदा पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह 40 के करीब मरीज़ों को जूस भी जो है दिया गया सेब का, और दूसरे आज मीठा भी लाया गया था ताकि इन मरीज़ों में मुस्तैकीन में तकसीम किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के शुरू होने के जब से हमारे दो कामों का आगाज़ हुआ, एक सफ़ा एम्बुलेंस का और एक सफ़ा लंगर का, ये दोनों काम इंशाअल्लाह साल के 12 महीने जारी रहेंगे। अहले खैर हज़रात से गुजारिश करते हैं कि आपकी तवज्जो हो, अल्लाह ताला सब के ताउन को कबूल फरमाए।